हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मोशन क्या होता है? जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो तो हम उसको क्या कहते हैं? मोशन। और टाइम तो आपको पता ही है। क्लास सिक्स में आपने पढ़ा था अलग अलग मोशंस के बारे में। आपने रेक्टिलिनर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, इन सब के बारे में पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन को ही रेक्टिलिनर मोशन कहते हैं, ठीक है। टेबल 13.1 गिव सम कॉमन एग्जांपल ऑफ मोशन। ओके, सोल्जर्स जो हैं मार्च पास्ट में कैसे मूव करते हैं? जब वो मार्च करते हैं सीधे 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 सीधे, तो ये क्या हो गया? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जो बुलक कार्ट है वो एक स्ट्रेट रोड में मूव कर रही है, तो भी वो भी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हैंड ऑन एथलीट्स इन अ रेस। एक एथलीट है, वो अपने हाथ, वो भाग रहा है, वो कैसे भागेगा? सीधे भागेगा, ठीक है, क्योंकि जो रेस में जब एथलीट्स भागते हैं वो सर्कुलर ट्रैक, उनका ट्रैक कैसा, मतलब उनको भागने का ऑर्डर कैसा मिला है, गोल गोल भागना है, कैसे भागना है, वो उन पर डिपेंड है। अच्छा, जब आप साइकिल के पैडल चलाते हो तो वो कैसे चलाते हो, अर्थ का मोशन क्या है, एंड जब झूला झूलते हो उसका कोई मोशन है, ये इतना आप फिल करोगे। ओके, पीरियोडिक क्या होता है? पीरियोडिक होता है, ये एक पेंडुलम है, इधर से इधर, ऐसे। सर्कुलर क्या होता है? गोल गोल, एक चीज़ है बीच में, उसके आसपास गोल 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 मूव कर रहा है, ठीक है। स्लो और फास्ट, अब हम देखते हैं स्लो और फास्ट। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस डेट द मोशन ऑफ द सम ऑब्जेक्ट इज स्लो। वाइल्ड से सम, कुछ ऑब्जेक्ट का मोशन, मोशन क्या होता है? मोशन होता है कोई भी चीज़ का मूव करना, ठीक है। तो कोई चीज़, कभी कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत धीरे मूव करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत फास्ट मूव करते हैं। हमको पता है कि व्हीकल्स बहुत ज़्यादा फास्टर मूव करते हैं, ठीक है। इवन द सेम व्हीकल में भी मूव फास्टर और स्लोअर एट अ डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है। अलग अलग टाइम पे, क्या पता एक व्हीकल जब ट्रैफिक आ जाए तब धीरे ट्रैवल कर रहा हो, और या फिर रुक ही जाए, और एक व्हीकल्स बहुत स्पीड में कर रहा हो, ठीक है। तो आप ऐसे 10 ऑब्जेक्ट्स का बताओ जो कि स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है फलाना फलाना, इफ़ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन रोड इन, सो यहाँ पर बोला है कि आपको क्या करना है, ऐसी कौन सी गाड़ियाँ हैं जो स्लो में भागती हैं, और ऐसी कौन सी गाड़ियाँ फास्ट में, उसका आपको ग्रुप बनाना है, ठीक है। आपको कैसे पता चला कि एक स्लो भाग रही है और एक फास्ट भाग रही है, वो आपको बताना है। इतना सा इस पैराग्राफ में बता रखा था। अच्छा, इफ कोई व्हीकल है रोड पर मूव कर रही है, समझ लो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, दो व्हीकल है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों ही सीधी जा रही है, हम बता सकते हैं कौन सी फास्ट है, जो आगे होगी वो फास्ट होगी, ठीक है। एक्टिविटी 13.1 एक्टिविटी को देखो, फिगर 13.1 को देखो, वो बताती है कि कौन सी पोजीशन। अच्छा, आप इसमें देख रहे हो सारी गाड़ियाँ जो है एक ही पाथ, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। अब आप बता सकते हो कौन सी व्हीकल फास्ट है? ऑब्वियसली ये वाली फास्ट है। सबसे स्लो कौन सी है? ये वाली स्लो है। तो आप इसमें देखकर इजीली बता सकते हो। एक बार ये पढ़ लेते हैं, तो जितनी भी व्हीकल रोड में मूव कर रही हैं, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इनकी पोजीशन से हम पता लगा सकते हैं कि कौन किस, कौन फास्टर और कौन स्लोवर मूव कर रही है। तो कौन सी व्हीकल फास्ट कर रही है और कौन सी स्लो, आपको मैंने बता दिया। द डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस डिसाइड व्हिच वन इज फास्टर और स्लोवर। तो हमें कैसे पता चला कि कौन सी फास्ट मूव कर रही है और कौन सी स्लो? डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस? डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन, जितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, समझ लो मैंने आपको 5 घंटे दिया है, 5 घंटे में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उससे पता चला। समझ लो 5 घंटे में एक कार ने 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन वही 6 किलोमीटर डिस्टेंस एक कार ने 3 ही घंटे में कंप्लीट कर लिया, तो कौन सी फास्ट है? ये वाली फास्ट है। तो आपको क्या होता है कि डिस्टेंस आपको पता लगा देता है कि कौन सी चीज़ फास्ट मूव कर रही है और कौन सी स्लो। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन डेट यू हैव गोन टू सी, आप एक अपने फ्रेंड के पास आपको जाना है, ठीक है, आप एक बस स्टैंड पे गए हो, सब यू स्टार्ट पैडलिंग और आप बाईसाइकिल को पैडलिंग करना शुरू करते हो, ठीक है। एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे बस जो होती है वो स्टार्ट होती है, वेट, बस जो स्टार्ट होती है एंड मूव करना शुरू करती है। द डिस्टेंस कवर्ड यू बाय यू आफ्टर 5 मिनट्स वुड बी मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। मतलब बस तो ऑब्वियसली स्पीड में होगी, ठीक है, बस जितनी स्पीड में थी, बस समझ लो 10 मिनट में पहुंच गई अपनी जगह पर, लेकिन आपको बस 5 मिनट लगे, मतलब आप बस 5 मिनट लेट हो बस से, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि बस स्पीड में थी और आप स्पीड में नहीं थे, आप स्लोअर थे। वुड यू से दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन अ बाइसाइकिल, तो आप कहोगे कि बस ज़्यादा फास्ट मूव हो रही थी? येस, वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ अ हाईएस्ट स्पीड। जो व्हीकल फास्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड क्या होगी? हाइयर। इन अ 100 मीटर रेस, 100 मीटर की एक क्या हो रही है? रेस हो रही है। इट इज़ ईजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज द हाइएस्ट। ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है कि किसकी स्पीड हाइएस्ट होगी,
ठीक है. वन हु टेक्स अ शॉर्टर टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज़ द हाईएस्ट स्पीड. समझ लो, ये बोलना चाहता है कि 100 मीटर दो डिस्टेंस है. एक कार को मैंने बोला आप ये 100 डिस्टेंस कवर करो, और कार बी को मैंने बोला आप ये 100 मीटर डिस्टेंस करो. समझो कार ए ने 10 घंटे लिए 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, समझ लो, ठीक है, और कार बी ने बस उसको 5 घंटे में कवर कर दिया. तो स्पीड से कौन चल रहा था? कार बी चल रही थी, क्योंकि उसने कम टाइम में कर दिया. तो वो बंदा जो कम टाइम ले रहा है, शॉर्टेस्ट टाइम ले रहा है, वो 100 मीटर के डिस्टेंस को जल्दी कवर कर देगा. ठीक है, इसका मतलब उसकी स्पीड भी हाईएस्ट होगी. अब स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, इतना स्पीड कर रहे हैं तो यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ल्ड स्पीड. वर्ल्ड स्पीड, स्पीड के बारे में तो आपको पता है. अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट द डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम. मैं बोलूँ ये कार बहुत स्पीड से चलती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं उसको डिस्टेंस दूँ, वो डिस्टेंस वो बहुत कम टाइम में कवर कर लेगी. मैं बोलूँ कि यहाँ से मेरे स्कूल तक जाना है, जो कि बहुत दूर है, बट वो कार क्या करती है, बहुत जल्दी पहुँच जाती है. इसका मतलब उसकी स्पीड क्या थी? हायर थी. ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है कि हायर स्पीड बताती है कि उस कार ने या उस व्हीकल ने बहुत कम टाइम में डिस्टेंस कवर कर लिया है. और लार्जर डिस्टेंस, लार्जर जितना भी टाइम आएगा. द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और द मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव बाय देम इन द यूनिट टाइम. ठीक है, सबसे आसान तरीका, बार बार ये तो बताओगे नहीं कि ये ठीक है, बार बार आपको ड्राइंग बनाकर बताया तो नहीं जाएगा कि ये कार आगे है, ये कार पीछे है. तो क्या करोगे, सबसे ईजिएस्ट तरीका होता है आप डिस्टेंस को कंपेयर करो, डिस्टेंस को कंपेयर करो टाइम के साथ. ठीक है, इफ़ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टू बसेज इन अ वन आवर, अगर दो बसेज हैं एक घंटे में दोनों कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अगर हमें ये पता लग जाए तो हम बता सकते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है. तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो कितना डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया है उसको हम कहते हैं स्पीड. ठीक है, एक यूनिट टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में एक गाड़ी या एक घोड़ा या एक आदमी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे हम स्पीड कहते हैं. उसको हम स्पीड जो है वो नाम देते हैं, वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है. वन वी से कार इज मूविंग विद, अगर हम कहें कि कार 50 किलोमीटर पर आर की, एक घंटे में कार 50 किलोमीटर ट्रेवल करती है, एक घंटे में 50 किलोमीटर. ठीक है, ये हमारी है कार की स्पीड. इट इम्प्लाइज, इसका मतलब है कि कार जो है 50 किलोमीटर डिस्टेंस एक घंटे में कवर करती है. ये बात तो आपको पहले से पता है. ठीक है, हाउएवर अ कार सेल्डम मूव्स विद द कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर द वन आवर. एक कार है जो कि एक ही स्पीड के साथ एक घंटे तक चला रही है, एक ही स्पीड के साथ, ना उसकी स्पीड थोड़ी सी भी ऊपर हो रही है, थोड़ी सी भी नीचे. इनफैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली देन पिक अप्स अ स्पीड. और एक कार है जो चलना स्टार्ट हुई थी एकदम धीरे से, फिर अचानक से उसने स्पीड पकड़ ली. सो व्हेन वी से दैट द कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर वी यूजुअली कंसीडर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स वन आवर. तो यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं कि एक कार 50 किलोमीटर एक घंटे में कवर करती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने उसका एवरेज स्पीड निकाला है. ठीक है, हमने उसकी टोटल स्पीड निकाली है, क्योंकि वो बीच में कभी तेज हो रही होगी, कभी बीच में स्लो हो रही होगी, हो रही होगी ना. तो हम वी डू नॉट बोल रहे हैं अ कार हैज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आर. तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि कार कब तेज हुई कब हुई, हमने एक टोटल स्पीड निकाल ली. ठीक है, हमने क्या निकाल लिया? एक एवरेज स्पीड निकाल ली. ठीक है, तो द स्पीड कैलकुलेटेड वी शॉल यूज द टर्म एवरेज स्पीड. तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि हमने क्या निकाली है? एवरेज स्पीड. देखो, कार 50 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है एक घंटे में. ठीक है, तो कहीं पर इसकी स्पीड 20 किलोमीटर भी हो सकती है, कहीं पर 60 किलोमीटर भी हो सकती है, लेकिन हमने क्या निकाली है? एक एवरेज स्पीड निकाली है. सो द स्पीड, अब एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है? टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, आपकी आ गई एवरेज स्पीड. अब हम पढ़ते हैं, इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द, हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं कि जो कि अपनी कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ इतने ज़्यादा टाइम के लिए मूव करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं. ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, मोशन नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा. अब यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद इक्वल स्पीड. विद इक्वल स्पीड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड विद अ यूनिफॉर्म. अब यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि एक कार इतना डिस्टेंस कवर करती है एंड पूरी जर्नी में उसने अपनी स्पीड नहीं चेंज की, पूरी जर्नी में वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती रही, ना स्पीड ऊपर हुई ना नीचे हुई, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. लेकिन जब आपकी स्पीड चेंज होती रहती है,
स्ट्रेट लाइन की बात की गई है, कोई सर्कुलर नहीं, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब आपकी स्पीड चेंज होती रहती है तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहाँ पर आपके लिखा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, एक ऑब्जेक्ट है जो कि सीधी लाइन में मूव कर रहा है एंड वो अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, तो वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। तो एवरेज, देखो ये जो आपकी एक्चुअल स्पीड है, ये एक्चुअल एवरेज स्पीड और एक्चुअल स्पीड में कोई अंतर नहीं है, सेम होता है। ठीक है, अगर आपने ये स्पीड निकाली है तो इसका मतलब आपने एवरेज स्पीड निकाली है। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय द, तो यही बोला है कि हम स्पीड को ऐसे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हाउ टू मेजर टाइम, अब हम टाइम को कैसे मेजर करें? ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में हम पढ़ते हैं। इफ़ यू, अगर आपके घर में क्लॉक नहीं है तो आप सन को देखकर टाइम डिसाइड करते हो। ठीक है, अपने दिन को देखकर टाइम डिसाइड करते हो। जो आपके पहले ज़माने के लोग हैं वो परछाइयों को देखकर जो है वो टाइम देखते थे। ठीक है, हाउ डू वी मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ, एक महीने का जो हम टाइम इंटरवल है उसको कैसे मेजर करते हैं? जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो नेचर से, एनवायरमेंट से अपना टाइम देखते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, दे फाउंड दैट द सन राइजेस एवरी डे इन द मॉर्निंग। जैसे वो देखते हैं कि हर दिन सनराइज होता है, तो द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। ठीक है, वो क्या करते थे, एक दिन सूरज उगा, फिर दूसरे दिन जब सूरज उगा, तो इसके बीच में जो टाइम है इसको हम बोलते हैं एक दिन। वो ऐसे बोलते थे कि द टाइम बिटवीन वन सनराइज, एक सनराइज के बीच में और फिर जो अगले दिन सनराइज होने वाला है, इसके बीच का पूरा ये क्या होगा, दिन होगा। आज हम कैसे बोलते हैं, आज हम बोलते हैं 12 PM से 12 अगले 12 midnight तक एक दिन होगा। लेकिन वो लोग क्या करते थे, वो लोग डे के हिसाब से चलते थे। अब मंथ को कैसे मेजर किया जाए? अब देखो, उनके पास तो घड़ी होती नहीं थी, हमारे पास तो कैलेंडर है, उनके पास तो घड़ी। वो क्या करते थे, जिस दिन भी न्यू मून आता था, न्यू मून का दिन आता, वो समझते थे कि मेरा मंथ जो है वो नेक्स्ट शुरू होने वाला है। ठीक है, आज तो हम कैलेंडर से पता लगाते कि नया महीना आने वाला है, वो लोग क्या करते थे, चांद से पता लगाते कि मेरा नया महीना आने वाला है। अ ईयर वॉज फिक्स्ड, अब साल कैसे खत्म हुआ उन्हें कैसे पता चलेगा? ठीक है, फिक्स द टाइम ऑफ द वन रिवोल्यूशन ऑफ, वो अर्थ की रिवोल्यूशन से पता लगाते थे। अगर सर अर्थ ने एक रिवोल्यूशन कर लिया है, और वैसे भी उनको महीने पता लगते थे कि एक महीने में 12 दिन है, तो वो महीने काउंट करते जाते थे। ठीक है, तो पुराने जमाने के लोग ये तरीके अपनाते थे। ऑफन वी नीड टू मेजर द इंटरवल्स ऑफ टाइम मच शॉर्टर देन अ डे, एक दिन से छोटा ही होता है इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो, हम क्लॉक वॉचेस का आज यूज़ करते हैं, ये क्या है, मेजरिंग डिवाइसेस हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस, तो आपने कभी सोचा होगा क्लॉक्स और जो ये वॉचेज हैं ये कैसे टाइम मेजर करती हैं? द वर्किंग ऑफ अ क्लॉक इज रेदर, अब ये समझना तो अभी आपकी बात नहीं है कि क्लॉक कैसे काम करती है, क्लॉक के अंदर क्या क्या होता है, तो ये आप आगे चल के पढ़ोगे। सिर्फ इतना जान लो कि जो वर्किंग होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। बट यहाँ पर क्या होता है, क्लॉक के अंदर ऐसा सिस्टम वो किया जाता है, सेट किया जाता है कि ये इक्वल, जो आप देखोगे जो सेकंड का धागा, जो सेकंड की सुई है, वो टिक टिक, ऐसा नहीं टिक फिर टिक, बहुत एकदम इक्वल स्पीड के साथ चलती है। ठीक है, इसका पीरियोडिक मोशन मतलब टाइम टू टाइम इसका मोशन होता है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज अ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम जैसे ही 9 बजे, जैसे एक घंटा पूरा हुआ, टंग बोलती है। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से हमने बना रखा है। जो डिजिटल क्लॉक होती है, मतलब अलार्म क्लॉक, ये भी इनके अंदर कुछ ऐसा सेट किया जाता है कि टाइम टू टाइम बजती है। अब हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं पेंडुलम के बारे में। एक ये पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम ऐसे हिलता है, ए पे जाता है, फिर वापस बी पे आता है, ठीक है, फिर बी से वापस ओ पे जाता है, फिर ए पे जाता है। ये है एक सिंपल पेंडुलम। ये पेंडुलम जो है, ये जो यही पेंडुलम है, जब ये मूव करता है तब क्या होता है, अ सिंगल पेंडुलम, एक पेंडुलम के अंदर होता है एक मेटेलिक बॉल। ये जो बॉल देख रही हो ना आप, ये किसकी है, मेटल की है। ठीक है, अ पीस ऑफ अ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड स्टैंड बाय द थ्रेड। एक स्टोन का पीस होता है एंड ये एक थ्रेड होता है, एंड द मेटेलिक बॉल, इस मेटेलिक बॉल को आप क्या बुलाते हो, बॉब। ये पेंडुलम का क्या होता है, बॉब। तो जब पेंडुलम का जो बॉब है उसको हम छोड़ते हैं तो वो एक साइड जाता है फिर दूसरी साइड जाता है। ओके, ये जो इसका प्रोसेस है, इस तरफ जाकर फिर इस तरफ जाना, इसको हम क्या कहते हैं, ये हो क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। व्हेन द बॉब टू द इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग, ये वही चीज़ है कि एक जगह इस तरफ जाता है फिर इस तरफ जाता है, ये जो टू एंड फ्रो मोशन है। अब आप बोलोगे टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, ये आगे पीछे जाना, ये जो मोशन है ये, इसको हम कहते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। क्या कहते हैं,
ऑस्किलेटरी मोशन. द पेंडुलम इज सेट टू हैव द कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम ओ इट्स मेन पोजिशन मूव्स ए टू बी एंड बैक टू ओ. अच्छा, एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट हुआ? अब एक ऑसिलेशन का मतलब देखो मैं बताती हूँ. ये पेंडुलम है, ये ओ पर है, ठीक है. ओ से ए पे गया, ओ से ए पे गया, ए से बी पे गया, बी से फिर वापस ओ पे आ गया. मतलब इसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया. और ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है? ये जो इसका टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है. ये इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है? जब ये ओ से ए पे जाता है, ए से वापस बी पे और फिर वापस ओ पे आ जाता है, ठीक है. द पेंडुलम ऑल्सो कम्प्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजिशन एंड कम बैक्स टू ए. अब समझ लो यहाँ पर एक ऑसिलेशन कम्प्लीट कब हो रहा है. अगर मैंने ओ से स्टार्ट किया है तो ये जब तक वापस जब वापस ओ में आएगा, ए पे जाएगा, बी पे जाएगा, ओ पे जाएगा, इसका वन ऑसिलेशन कम्प्लीट हो गया. अब समझ लो मैंने इसको यहाँ से ए से छोड़ा है. मैंने क्या किया है, इसको ए से इसको यहाँ से छोड़ा है, ठीक है. जब मैं ए से इसको छोड़ रही हूँ तब ये ए से कहाँ पर जाएगा, बी पे जाएगा. बी से जब वापस ए पर आएगा तब इसका वन ऑसिलेशन कम्प्लीट होगा. अब समझ लो मैं ए से नहीं, इधर बी से इस पेंडुलम को छोड़ती हूँ, बी से. तो बी से ये ए पे जाएगा, ए से फिर वापस बी पर आएगा, तब ये इसका वन ऑसिलेशन कम्प्लीट हो जाएगा. समझ आया वन ऑसिलेशन क्या होता है? द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है? एक पेंडुलम एक ऑसिलेशन कम्प्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, ठीक है. तो ये पेंडुलम कितना टाइम ले रहा है इधर से उधर जाने में, वो हमें बताता है कि उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है. अब देखो पेंडुलम कहाँ होता है, घड़ियों में होता है. घड़ी क्या बताती है हमें? टाइम बताती है, ठीक है. सेट अ सिंपल पेंडुलम है शोन इन फिगर 13.4 में आपको दिखा रखा है. ऐसे आप एक थ्रेड के साथ आप पत्थर बांध सकते हो, ठीक है. आप बॉब भी ले सकते हो. मार्क द मेन पोजिशन, ये इसकी मेन पोजिशन, मेन पोजिशन मतलब ये इसकी मेन पोजिशन है, ठीक है. अगर मैंने पेंडुलम को यहाँ से छोड़ा है, मैं जहाँ से छोड़ूंगी पेंडुलम वापस आकर वहाँ रुकेगा जब, तब वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, ठीक है. मार्क द मेन पोजीशन, आप मेन पोजीशन को मार्क करो, ठीक है. टू मेजर द टाइम पीरियड द पेंडुलम विल नीड अ स्टॉप वॉच. अच्छा, अगर आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड मतलब कि ये जो पेंडुलम है ये एक ऑसिलेशन कितने मिनट में कंप्लीट कर रहा है, इसके लिए आपको स्टॉप वॉच चाहिए होगी, ठीक है. आप देखना कि कब ये ओ से ए, ए से बी फिर वापस अपनी पोजीशन पर आता है. टू द सेट द पेंडुलम इन द मोशन जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड. मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग्स अटैच टू द बॉब इज टॉन्ट वाइल यू डिस्प्लेस इट. नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम डिस्प्ले. वही चीज़ बता रखी है कि आपको कैसे करना है. आप बॉब को छोड़ो, वापस हो जाएगी, ठीक है. नोट द टाइम, टाइम नोट करो. इंस्टेड ऑफ द मेन पोजिशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज एट वन इज एक्सट्रीम. अब एक्सट्रीम पोजिशन क्या होती है? एक्सट्रीम पोजिशन है ये साइड साइड वाली. और ये क्या है? मेन पोजीशन है. पेपर में जब आपको पेंडुलम बनाने के लिए आता है तो आपको लेबलिंग करनी है. आपको इसको लेबल करना है बॉब एंड इस पोजीशन को यहाँ पर लिखना है मेन, यहाँ पर लिखना है एक्सट्रीम पोजीशन एंड ए और बी मार्क करना है, ठीक है. एंड इसको मार्क करना है क्या? थ्रेड. ये आता है पेंडुलम बनाने के लिए, ठीक है. तो आपको मैंने लेबलिंग बता दिया, ठीक है. तो समझ लो पेंडुलम ने 20 ऑसिलेशंस किए. कितने ऑसिलेशंस? 20 ऑसिलेशंस. अब 20 ऑसिलेशंस के लिए टाइम कितना लगा, ठीक है, वो आप लिख सकते हो अपने टेबल 13.2 में. द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोन इज जस्ट अ सैम्पल. योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस. रिपीट दिस एक्टिविटी अ फ्यू टाइम्स. आप इस एक्टिविटी को करो. समझ लो 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में 20 मिनट्स लगे, ठीक है. तो आपने मैं एक एग्जाम्पल दे दिया है. गेट द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. इज द टाइम पीरियड फॉर योर पेंडलम. अब आप क्लास के सारे बच्चे ये चीज़ करो और देखो कि क्या सबको एक ही टाइम लग रहा है, ठीक है. नो डर द स्लाइड चेंज. तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी की तरह एकदम परफेक्ट नहीं हो, ठीक है. ये देखो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 100 सेंटीमीटर. जो आप इसमें स्ट्रिंग लगाते हो, जो पेंडलम में जो स्ट्रिंग लगती है वो कम से कम 100 सेंटीमीटर की होनी चाहिए. यानी छोटी सी धागे लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है. ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है डिस्कवरी ऑफ कि टाइम पीरियड को किसने डिस्कवर किया था, ठीक है. पेंडुलम को किसने डिस्कवर किया था? यू माइट हैव हर्ड द, आपने एक गैलीलियो गैलीली का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है. ये उनकी डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ डेथ. इट इज़ द सेड डेट वंस गैलीलियो वॉज गैलीलियो बैठे थे चर्च में बैठे थे. उन्होंने देखा कि जो लैम्प है, लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विद द चेन वॉज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन साइड टू अनदर. चर्च में जो लैम्प जो था वो एक लटका हुआ था, लैम्प जो है वो लटका हुआ था
एक धागे से, बोला हम बार बार इधर से उधर इधर से उधर, मतलब टू एंड फ्रो मोशन में मूव कर रहा था, ठीक है। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट हिज पल्स बीट द सेम नंबर ऑफ द टाइम्स। उन्होंने देखा उनकी पल्स बीट जैसे धक करती है वैसे ही एक ऑसिलेशन होता है, फिर दूसरी, तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उनकी पल्स बीट भी उतना ही टाइम्स कवर कर रही है। तो गैलिनो ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पेंडुलम जो है इसका पूरा सर्च किया, रिसर्च किया। उन्होंने देखा कि जो पेंडुलम है ऑफ अ गिवन लेंथ टेक ऑलवेज द सेम टाइम टू कम्प्लीट अ वन ऑसिलेशन। फिर उन्होंने उनको फाइनली मिला कि जो पेंडुलम होती है वो वन ऑसिलेशन कम्प्लीट करती है सेम टाइम पे जब आपकी पल्स रेट होती है, ठीक है। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द, इसकी वजह से पेंडुलम क्लॉक्स बनी, विंडिंग क्लॉक्स बनी, रिस्ट की वॉचेस बनी, ठीक है। फिर ऐसे क्लॉक्स का और क्लॉक्स का निर्माण होता गया होता गया होता गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड अ क्वार्ट्ज क्लॉक। ओके, कौन सी क्लॉक्स? अच्छा, नाउ इट इज, आजकल बहुत सारी इलेक्ट्रिक क्लॉक्स आ गई है। कौन सी? इलेक्ट्रिक सर्किट की। अच्छा, आपके घर में जो क्लॉक लगी होगी उसके अंदर सेल डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी क्लॉक्स को हम क्या कहते हैं जिसके अंदर सेल डालना पड़ता है? क्वार्ट्ज क्लॉक। क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज क्लॉक। द टाइम मेजर्ड बाय द क्वार्ट्ज क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट देन दैट बाय द क्लॉक अवेलेबल अर्लियर। पुराने ज़माने में जो क्लॉक रहा करती थी उससे ज़्यादा अच्छा टाइम आपके घर वाली क्लॉक देती है। कौन सी क्लॉक? क्वार्ट्ज क्लॉक, क्वार्टर्स, क्वार्ट्स क्लॉक, ठीक है। इसका प्रोनंसिएशन कुछ भी हो सकता है। यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। अब टाइम और स्पीड का हम यूनिट देखते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ द टाइम इज, अच्छा, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड, जिसका सिंबल होता है एस। लार्जर यूनिट ऑफ, और टाइम की बड़ी यूनिट कौन सी होती है? मिनट या फिर आवर्स, ठीक है। ये बात आपको पहले से पता थी। व्हाट बी द बेसिक, अच्छा स्पीड की क्या बेसिक यूनिट होगी? देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ये तो आई थिंक सबको पता होगा। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, ठीक है। एंड टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। ये लिख लो एक जगह बॉक्स बनाकर कि स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर भी तो होती है, तो ठीक है किलोमीटर। एंड टाइम की यूनिट आवर भी तो होती है, ठीक है आवर। तो एक एक स्पीड की यूनिट क्या बन गई? देखो मेन यूनिट तो ये होती है, बट अगर आपको एक और लेनी है तो वो होती है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया। यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड दैट द सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन अ सिंगुलर। जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी सिंबल्स हैं, जितने भी यूनिट्स का, उनको हम हमेशा सिंगुलर में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लिख रहे हैं 50 किलोमीटर, तो हम 50 किलोमीटर्स नहीं लिखते हैं, हम 50 किलोमीटर लिखते हैं। हम 8 सेंटीमीटर्स नहीं लिखते हैं, मतलब लिखित में तो लिखेंगे, बट जब हम इसका सिंबल लगाएंगे सेंटीमीटर, तो उसमें हम एस नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो मुझे इज वंडरिंग हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ डे एंड हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर, कैन यू हेल्प हिम। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि हाउ मेनी, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं और एक साल में कितने घंटे होते हैं टोटल। डिफरेंट यूनिट ऑफ द टाइम्स आर, ये बहुत ईजी है, जो वैसे जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये जो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बोल रही हूँ। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड, ठीक है। हर बंदा अलग अलग चीज़ें, अब जैसे देखो अगर बंदा कहीं घूमने जा रहा है तो वो अपने साथ इतनी बड़ी क्लॉक तो कैरी नहीं करेगा, वो छोटी सी करेगा, वॉच करे कैरी करेगा। तो हर बंदे जो है टाइम अलग अलग जो है चीज़ों को यूज़ करते हैं एंड अलग अलग यूनिट्स को यूज़ करते हैं। जैसे इट इज़ कन्वीनियंस टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स रैदर देन इन डेज एंड आवर्स। आपकी एज को ईयर्स में एक्सप्लेन करना ज़्यादा ईजी होता है। अगर मैं आपको बताऊँ कि आप जो है 50 घंटे और 365 दिन बड़े हो, ठीक है, मगर अगर आपको ऐसे बोलूं कि आप 50 घंटे और 365 दिन बड़े हो, तो आप समझोगे आप कैलकुलेट करने बैठ जाओगे। तो ये ज़्यादा इजी है, या फिर ये बताना कि आप जो है 17 साल मुझसे बड़े हो, ये तो कौन सा इजी है? ईयर्स। तो बंदा अलग अलग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यूज़ करता है। सिमिलरली इट विल बी नॉट वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर्स टाइम टेकन बाय यू टू कवर द डिस्टेंस। इसलिए आप डिस्टेंस को अलग से, टाइम को अलग से, सबको अलग अलग से मेजर करते हो। हाउ स्मॉल और लार्ज इज अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। कितना छोटा और कितना बड़ा होता है टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का? कितना छोटा कितना बड़ा होता है? इक्वल होता है। द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001 इज नियर बाय 1 सेकेंड, वेरीफाइड बाय काउंटिंग फ्रॉम द 2001 और 2010। द पल्स ऑफ द नॉर्मली हेल्दी एडल्ट इज रेस्ट, एक मिनट में पर्सन की बीट 72 टाइम्स बीट करती है एंड 12 टाइम्स 10 सेकेंड में, ठीक है। तो यही चीज़ आपको ऊपर बता रखी है यहाँ पर। द
दिस रेट में भी स्लाइडली हायर फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है, रेट के हिसाब से ही बिल्कुल आपका थोड़ा सा बहुत टाइम भी चलता है. पहली वंडर्ड हाउ टाइम वॉज मेजर्ड वेन द पेंडुलम क्लॉक्स वर नॉट अवेलेबल, तो इसका आंसर ऊपर ही था. ठीक है, कैसे टाइम मेजर किया जाता था, दिन को देखकर, रात को देखकर, मून को देखकर. ठीक है, द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल डेट कैन बी मेजर्ड विद द कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेज इज 1 इन सेकेंड. ठीक है, आजकल की जो क्लॉक्स हैं उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल कौन सा है, आवर है, मिनट है, या फिर सेकेंड? सेकेंड है. स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल कौन सा है? सेकेंड. हैवर नाउ स्पेशल क्लॉक्स आर अवेलेबल डेट कैन मेजर, तो आजकल इतनी अच्छी अच्छी क्लॉक्स आ गई हैं कि सेकेंड से भी स्मॉलर इंटरवल का वो टाइम निकाल सकती हैं. सम ऑफ दीज क्लॉक्स कैन बी मेजर इंटरवल एज स्मॉल एज 1 मिलियंथ और इवन 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड. ऐसी 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 क्लॉक्स आ रही हैं जो 1 मिलियन या 1 बिलियन सेकेंड्स भी काउंट कर सकती हैं. यू माइट हैव हर्ड द टर्म्स लाइक माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड. आपने इन वर्ड के बारे में सुना हो ना सुना हो, ठीक है. माइक्रो सेकेंड का मतलब, माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा. नैनो का मतलब क्या होता है? बड़ा. ठीक है, तो माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड, इनके लिए अलग अलग वॉचेज आती है. माइक्रो सेकेंड इज वन ऑफ द मिलियंथ ऑफ सेकेंड. माइक्रो सेकेंड का मतलब क्या होता है? मिलियंथ ऑफ सेकेंड. मिलियंथ ऑफ सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 1/10. क्या है? 1/10 नहीं है, 1 बाय मिलियन. 1 बाय मिलियन, ठीक है. एंड नैनो का मतलब 1 बाय बिलियन. ठीक है, नीचे बिलियन कितने भी जीरो लग सकते हैं. क्लॉक्स डेट मेजर सच अ स्मॉल, क्योंकि यहाँ पर थ लग गया ना, TH. क्लॉक्स डेट मेजर सच अ स्मॉल टाइम इंटरवल्स आर यूज फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, तो ऐसी क्लॉक्स को हम तो यूज़ करेंगे नहीं अपनी आम जिंदगी में, तो ये साइंस जो साइंस टेस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं. द टाइम मेजरिंग डिवाइस यूज इन स्पोर्ट्स मेजर टाइम इंटरवल्स डेट ऑन द 10th और 100th सेकेंड. स्पोर्ट्स में जब रेसिंग वगैरह होती है तो हम बिलियन या मिलियन का नहीं करते हैं, हम 100th या 10th वाले सेकेंड का यूज़ करते हैं. ऑन द अदर हैंड टाइम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स स्टैंडर्ड इन द टर्म्स ऑफ सेंचुरीज और मिलियन. अच्छा, पुराने ज़माने के लोग सेंचुरीज में काउंट करते थे, जैसे अभी 21 सेंचुरी चल रही है, 20th सेंचुरी चल रही है. द एजेस ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन मिलियंस. ओके, हमसे कितना दूर स्टार है, क्या है, हम उसको किस में एक्सप्लेन करते हैं? बिलियंस में. तो सिंपल सी बात ये है कि हम अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग सबके लिए अलग अलग जो है टाइम की क्वान्टिटी बनी है, टाइम की यूनिट बनी है. ठीक है, मेनी टाइम्स मेजरिंग डिवाइस वर यूज इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक बिकेम पॉपुलर. तो ऐसे बहुत से मेजरिंग डिवाइस होते थे पेंडुलम से पहले, ठीक है, जैसे वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक. ठीक है, वो रेत घड़ी देखी है ना आपने, वो होती थी पुराने ज़माने में. ठीक है, ये पहले के क्वेश्चन का आंसर आपको इधर मिल गया. ठीक है, वाटर क्लॉक होती थी, लोग शक्ल पानी में देखकर ऐसा कुछ पता लगाते थे. ठीक है, ये कुछ डिवाइसेस के एग्जांपल है, ये पहले का क्वेश्चन का आंसर है जो कि पूछा जाएगा पेपर से में, 1 मार्क्स का पूछा जाएगा. डिफरेंट डिजाइंस ऑफ दिस डिवाइस वर डेवलप्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब हम बात करते हैं किसकी, मेजरिंग स्पीड की. स्पीड को कैसे मेजर किया जाए, मेजर टाइम एंड डिस्टेंस. कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट की आप स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ, कैलकुलेट कर सकते हो, बट इसके लिए हर बार तो ऐसे नहीं, आप बोलोगे मेरे पास तो फॉर्मूला है, मैं क्या करूँगा, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा. ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है. ठीक है, आजकल एक्यूरेट स्पीड चाहिए. अब उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दे रखी है. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो ग्राउंड में विद द चॉक पाउडर, चॉक के साथ. ठीक है, एंड अपने फ्रेंड को बोलो कि लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल, आपका फ्रेंड क्या करे, एक बॉल यहाँ से रोल करे. ठीक है, अब वो बॉल कहाँ पर जाकर स्टॉप होती है, तब तक का टाइम नोट डाउन करो. कब तक वो रेस्ट पर नहीं आ जाती है, वो टाइम आपके फ्रेंड को क्या करना है, नोट डाउन करना है. ये देखो, ये वाटर क्लॉक है, ये क्या है, वाटर क्लॉक है, एंड ये क्या है, सैंड क्लॉक है. सन डायल एट द जंतर मंतर. अच्छा, सन डायल मतलब होता है कि जैसे जो जब पुराने ज़माने के लोग सन को देखकर टाइम कब सा लगाते थे. ठीक है, ये कुछ एंशियंट टाइम्स मेजरिंग डिवाइसेस हैं. सन डायल सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक. तो आपको क्या बनानी है, एक लाइन बनानी है एंड आपके फ्रेंड को बोलना है कि एक बॉल रोल करे. ये बॉल कहाँ पर जाकर रुकती है, इसका कितना और कितने टाइम में रुकती है, आपने अपने फ्रेंड को बोलना है कि मेजर करो. मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेज द लाइन द पॉइंट वेर इट कम्स टू रेंड. आपको समझो ये इसने किया 5 सेकेंड में, अच्छा 5 मिनट में, 5 मिनट में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, और इतना इसने कितने टाइम में किया है, फिर 5 मिनट में. तो आपको यही डिस्टेंस नोट डाउन करना है, लाइन तक का एंड रेस्ट तक का. तो लाइन तक का कितना था, 5 मिनट, और रेस्ट तक का 5 मिनट. रेस्ट तक का मतलब कि वो बॉल कब रेस्ट पर आ रही है, कब बॉल स्टॉप हो जा रही है.
यू कैन यूज़, आप स्केल यूज़ कर सकते हो, ठीक है, रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन द टेबल 13.3 और 13.3 में लिखो. यू मीन आई लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग साइकिलिंग विद योर फ्रेंड्स. यू नीड टू नो डिस्टेंस ऑफ द स्कूल, ठीक है, आप अपने स्कूल का डिस्टेंस मेजर करके देख सकते हो. एंड आप देख सकते हो कि आप जब वॉक कर रहे हो और आप जब साइकिल कर रहे हो तो आपकी स्पीड में कितना अंतर आ रहा है. ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एंड कैलकुलेट. आप स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो डिस्टेंस मेजर कर कर. ओके, स्पीड्स ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन किलोमीटर्स. यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड योर सेल्फ. कभी कभी क्या होता है कि हमको स्पीड दे रखी होती है किलोमीटर पर आवर में, तो आप उसको मीटर पर सेकेंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो. रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इन टू द अर्थ ऑर्बिट ऑफन अटेन द स्पीड अप टू. देखो, जो सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं अर्थ से, उनको उनकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है. ऑन अदर हैंड एक टॉर्टोइज जो कि 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है. अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन ज़्यादा फास्ट है, टॉर्टोइज ज़्यादा फास्ट है या फिर सैटेलाइट. अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे दोनों तो 8-8 है, बट ऐसा नहीं है. आप पहले 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट करो, किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, फिर पता लगाओ, दोनों की यूनिट सेम करो, ठीक है. इट्स योर होमवर्क. वंस यू नो, फिर आपकी आ जाएगी कौन ज़्यादा फास्ट है. वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस. एक तो कॉमन सेंस लगाओ कि ऑर्बिट जो आपका सैटेलाइट है वही जो है ज़्यादा स्पीड से जाएगा. वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड. एक बार आपको स्पीड पता चल गई, ठीक है, तो आप जो है, और आपको टाइम पता चल गया तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो. अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो. यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड टू कवर टेक अ डिस्टेंस वाइल मूविंग विद द स्पीड. वही चीज़ लिखी है. देखो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है. एंड टाइम कितना होगा, ये स्पीड इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा. डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल्स टू कितना होगा, टाइम. अच्छा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस. अभी यहाँ पर क्या है, स्पीड बच गया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम. एक ही फॉर्मूले से बाकी फॉर्मूले बन रहे हैं, ठीक है. टाइम टेकन डिस्टेंस. वो जो वांट्स टू नो वेदर देयर इज एनी डिवाइस दैट मेजर द स्पीड. कोई ऐसी डिवाइस है जो स्पीड को मेजर करती है? यस, कौन सी है, स्पीडोमीटर. ये ऑब्वियसली आपके मोटरसाइकिल वगैरह में लगी रहती है, कार्स बसेस इन सब में. इट रिकॉर्ड्स, ये क्या रिकॉर्ड करती है, ये क्या है, स्पीड इन मीटर. अच्छा, यहाँ पर अब ओके, यहाँ पर 320 क्या है, किलोमीटर पर आर. इस किलोमीटर पर आर को मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है. मैं कैसे बदलूंगी, कैसे बदलूंगी, आपको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई एंड 16 to 60 से मल्टीप्लाई. 16 to 60 मतलब 16 to 60 मतलब आपको जब भी किसी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना एंड इससे डिवाइड कर देना एंड कटिंग करके आपका आंसर आ जाएगा. इन सब की आपको स्पीड निकालनी है बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर कर, ठीक है. 1000 से मल्टीप्लाई को करो ऊपर एंड 16 to 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 ही आएगा, ठीक है. अब आपकी मर्जी आपको कैसे करना है. अच्छा, स्पीडोमीटर दिखने में क्या होता है, ऐसा होता है. स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर. देर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर्स द डिस्टेंस बाय द व्हीकल, ओडोमीटर. कुछ व्हीकल्स में ओडोमीटर भी लगा होता है, ठीक है, जो क्या मेजर करता है, डिस्टेंस. स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, स्पीड. ओडोमीटर डिस्टेंस. हो गया, ओडोमीटर कुछ ऐसा होता है, ठीक है. ये ओडोमीटर, स्पीडोमीटर नहीं, कुछ भी हो सकता है. अच्छा, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब ये क्या है, स्पीडोमीटर. वाइल गोइंग फॉर अ स्कूल, जब आप पिकनिक जाते हो तो पहली डिसाइडेड नोट द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर. तो जब पहली अपने पिकनिक जा रही थी तो उसने देखा ओडोमीटर को, अपने अपने बस में जो उसका ओडोमीटर लगा था उसने देखा कि वो 30 मिनट्स में अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट कर रही है, ठीक है. फिर उसने अपना रिकॉर्ड कर कर ये लिखा आपके सामने, ऐसा कर कर कुछ, ठीक है. अब हम पढ़ते हैं. कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल. तो क्या आप बता सकते हो कि डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है. उसके लिए आपको स्पीड पता होनी चाहिए. लुकिंग एट द बूजो आग से पहली वेदर शी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रेवल टिल 9:45 AM. पहली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो बूजो पहली से पूछता है कि क्या वो उसे बता सकते हैं कि कितने दूर तक वो 9:45, मतलब 9:45 AM तक में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो क्या बता सकती है, बट वो नहीं बता पाई. शी टोल्ड देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है. अब मैंने आपको क्या बोला, पहले के पास सिर्फ टाइम है, स्पीड तो है ही नहीं. अब क्या करें,
ठीक है। तो भूजो ने वही पूछा कि मुझे तुम एक चीज़ बता दो यार, डिस्टेंस बता दो, ठीक है। अब वो नहीं बता पा रही है डिस्टेंस, तो अब उसको प्रॉब्लम आ गई। अब कैसे निकाला जाए भाई स्पीड? तो अब होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम ग्राफ की हेल्प से इसको निकालेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब जैसे नाम से पता लग रहा है, डिस्टेंस और टाइम इसके अंदर होगा। आपने मैगजीन और न्यूज़पेपर में ये जो है ये डिफरेंट ये आपको बता रखा है, ठीक है, ओडोमीटर की रीडिंग बता रखी है, ठीक है। अब इसी ओडोमीटर की रीडिंग के बेस पे ये है, ओके। जीरो जीरो किलोमीटर, जब बस 0 किलोमीटर से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर तक पहुंचती है, तब वो इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, ओके। एंड वो आधे घंटे में कवर कर रही है, आप देख रहे हो ना, आधे घंटे में 8:30 मिनट्स में वो इतना डिस्टेंस कवर कर ले रही है, ओके। फिर जब वो 20 किलोमीटर से 40, अगले 20 किलोमीटर, फिर अगले 20 किलोमीटर में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, उसमें भी उसको आधे घंटे लग रहे हैं। मतलब इसका जो ये है डिस्टेंस वो बदलता जा रहा है, ठीक है, ओके। अब इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है हमारा ये है। अब बार ग्राफ शोइंग द रन्स को, एक टीम है जिसने इतने रन्स बनाए हैं, जैसे हमने यहाँ पर बता दिए रन्स और यहाँ पर हमने बता दिए ओवर्स, 1, 2, 3, 4 ये हमने ओवर्स बता दिए। अब पहली टीम ने कितना किया है, 1 ओवर बनाया है, दूसरी ने 5 ओवर्स बनाए हैं। इससे ग्राफ से हमें कितना अच्छे तरीके से पता लग रहा है, ठीक है। इस तरीके को हम कहते हैं बार ग्राफ, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। एंड पाई चार्ट से भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये एक लाइन ग्राफ होता है, ओके, ये पढ़ते हैं। अच्छा, जब आप गैसेस को रिप्रेजेंट करते हो तो आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, ऐसे ना ये गोल सा बना दोगे एंड बता दोगे कि इतना हिस्सा नाइट्रोजन है, इतना हिस्सा अदर गैसेस है एंड इतना ऑक्सीजन है। तो ये क्या कर रहे हो, ये क्या है, पाई चार्ट। ये क्या है, लाइन चार्ट, लाइन चार्ट होता है ये, ठीक है। ये 8 है, 8 के निशान लगा लिए डॉट, ये 10 पे लगा लिया, इसको हम लाइन चार्ट कहते हैं। एंड इससे हम कहते हैं जो ऐसी शीट पर बनाते हो इसको हम बार ग्राफ कहते हैं, ओके। बार ग्राफ के अंदर एक होता है एक्स एक्सिस एंड एक होता है वाई एक्सिस। आप एक शीट ऑफ पेपर लो, उसके अंदर 2 लाइंस बनाओ, ऐसे एक लाइन बनाओ और फिर एक उसके परपेंडिकुलर बनाओ, मतलब 90 डिग्री, ठीक है। एक को आप नाम दो एक्स एक्सिस, एक को नाम दो वाई एक्सिस, द पॉइंट, और जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं ये क्या है, ओरिजिन, ठीक है। जहां पर ये दोनों लाइंस मिलती हैं इसको हम कहते हैं ओरिजिन। द क्वांटिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन आर शोन अलोंग द 2 एक्सिस। क्वांटिटीज यहाँ पे लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 10, 20 कुछ भी क्वांटिटीज आप इधर एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, यही सब बता दिया। इन दिस चैप्टर वी शैल कंसिडर ओनली द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज। देखो ग्राफ के अंदर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, बट इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के बारे में पढ़ेंगे, ओके। देयरफॉर वी शॉल यूज ओनली द शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ, ठीक है। अच्छा, इतना ही पार्ट क्यों शेड किया है, इधर क्या करूँगी, इधर का नहीं कर सकती मैं यूज, यस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाती है, ये लाइन नेगेटिव आ जाती है, ये सब आपको बाद में पता चल जाएगा। अभी आप सिर्फ इतना देखो, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस, यहाँ पर आप क्वांटिटीज को लेते हो। भूज एंड पहली फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, द टाइम टेकन बाय कवर द डिस्टेंस, देयर डाटा शोन। अच्छा ये रहा, अब भूजो पहली का फाइनली आ गया है उनका वो। अच्छा, 0 मिनट में 0 किलोमीटर डिस्टेंस, 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस, 2 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस, इतना वो कवर करते हैं। अब इसका ग्राफ बनाओ, बनाओ ग्राफ, कैसे बनाओगे, 2 परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ करो, ठीक है, मार्क देम एज ओ एक्स, ओ तो ओरिजिन बीच का होगा, एक को ओ एक्स मार्क करो एंड एक को ओ वाई, ठीक है। अब क्वांटिटीज लिखो, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख दोगे, यहाँ पर भी लिख दो 1, 2, 3, 4, ये देखो यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर लिख दो 1, 2, 3, 4, 5। अब चलते हैं वापस अपनी टेबल पर, टाइम है और एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम यहाँ लिखेंगे एंड टाइम को हम यहाँ लिखेंगे। ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कैसे, क्योंकि एक तरफ है डिस्टेंस एक तरफ है टाइम, और डिस्टेंस हमेशा यहाँ पर किलोमीटर मिलेंगे एंड टाइम हमेशा मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। आप स्केल चूज कर लिया, 1 मिनट का डिस्टेंस 1 मीटर, ठीक है, फिर 2 का 2 मीटर, ओके। अब आप वैल्यूज को मार्क कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर पहली ने बोला था कि मैं 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती हूँ, 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब पॉइंट यहाँ पर आया यहाँ पर, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट बोलती है कि मैं 2 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती हूँ, एक पॉइंट यहाँ आया। फिर बोलती है 3 किलोमीटर में 3 किलोमीटर, फिर बोलती है 4 किलोमीटर में 4, फिर बोलती है 5 किलोमीटर।
ये पॉइंट्स आ गए सारे, अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दो, ये सीधी लाइन मिल रही है ना। अब इस सीधी लाइन के बारे में समझते हैं। ये देखो यहाँ पर बनाया भी है, ये सीधी लाइन आपको मिल रही है। यार ये ऐसे ही बताया कि आपको ये पूरा इसमें एक्सप्लेन यही चीज़ की है पूरा। देखो 13 द सेट ऑफ द पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग जॉइन ऑल द पॉइंट्स, आपको इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है इसमें पूरा आपको कन्फ्यूज़ करने का। एंड जब मैं आपको बताऊंगी तो आप इसमें पूरा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आपको यही करना है, दो लाइन्स बनानी है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस बताना है, यहाँ पर आपको टाइम बताना है, एंड टेबल में जैसा जैसा दिया है वहाँ पर कर दो। यहाँ पर स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपने एक मिनट को ये वाली ये चीज़ कि आपने एक मिनट को एक सेंटीमीटर लिया एंड एक किलोमीटर को एक सेंटीमीटर लिया, ठीक है, ये बताना ज़रूरी है। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ओके। अब अगर लाइन स्ट्रेट आती है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब उनकी कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी, उनकी कार कांस्टेंट। जब भी लाइन आपके ऐसे आई ना, ऐसे टेढ़ी टाइप सी और टेढ़ी और सीधी आए, तो इसका मतलब उनकी कार, मतलब उनकी कार की स्पीड कभी भी ऊंची नहीं हुई और कभी भी नीची नहीं हुई, एक ही स्पीड से वो चला रहे थे कार, ठीक है। अगर अगर वो अपनी स्पीड चेंज करते ना तो ग्राफ ऐसे ऐसे होता, ठीक है, लेकिन वो एक ही स्पीड से मूव कर रहे थे इसलिए उनका ग्राफ ऐसे आया, ठीक है, समझ आया। ये देखो, अच्छा ये डिस्टेंस और ये टाइम है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बस का है, किसका है, बस का। ये किस टेबल का है, ये है इस टेबल का, ओके। सो आप इसको ट्राई करोगे, ओके। जनरली द चॉइस ऑफ द स्केल इज नॉट एज सिंपल एज इन अ फिगर 13.12 और 13। देखो स्केल चॉइस करना इतना भी आसान नहीं होता, जैसे हम इस वाले में क्या कर रहे थे, 1 2 3 4 ले रहे थे, लेकिन नेक्स्ट वाले में हमने क्या किया, 10 20 30 लिया, तो हमारे को कैसा सूटेबल है हमको वैसा लेना है, ठीक है, ओके। वी मे चूज टू डिफरेंट स्केल्स टू रिप्रेजेंट द, यहाँ पर हम आधे आधे घंटे का गैप ले रहे हैं, बट यहाँ पर हम 10 10 का गैप ले रहे हैं, तो दोनों का अलग होगा, दोनों एक्सिस का अलग अलग यूनिट्स होगा। लेट अस कंसिडर द मोशन ऑफ द बस टू पहेली एंड फ्रेंड्स टू द पिकनिक, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 80 किलोमीटर, इफ वी डिसाइड 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर वी शुड हैव टू ड्रॉ एन एक्सिस ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर, दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन द शीट ऑफ द पेपर। अच्छा बोल रहा है कि पहेली जो है, पहेली 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, समझ लो अगर मैं 1 2 3 लिखना शुरू हो जाऊँ तो शीट ऑफ पेपर तो कम ही पड़ जाएगा ना, तो मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने 10 20 लिखा। तो इधर बेसिकली बताना ये चाहते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन अ शीट ऑफ पेपर, आपका 1 2 3 4 80 तक ऐसे लिखते जो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर के बराबर लिख लिया। ये क्या है, स्केल है जो आप वहाँ लिखोगे, कहाँ पर लिखोगे, इधर साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो स्केल होती है ये थोड़ी कन्वीनियंट होती है, इसमें आपको सोचना पड़ता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा पूरा शीट ऑफ पेपर भी हो जाए और आसानी से आंसर भी आ जाए। सम ऑफ द पॉइंट्स टू बी कीप्ड इन अ माइंड, ये पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप कोई ग्राफ ड्रॉ करते हो। अब कौन कौन से पॉइंट है, द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, सबसे हाइएस्ट वैल्यू क्या है और सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, आपको इसका ध्यान रखना है। कि देखो अभी मैं आपके आपको चलती हूँ टेबल पे, आपकी टेबल में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 80 किलोमीटर है, लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 0 किलोमीटर है। इसी को आपको ध्यान में रखना है, इसी को आपको ध्यान में रखते हुए अपना जो बार ग्राफ का जो ये साइड में लिखते हो ना, इसको ध्यान देना है। चलो वापस चलते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का खास ध्यान रखना है, द इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ ईच क्वान्टिटी सो डैट विद इन द स्केल चूजन कन्वीनियंट, आपको स्केल बहुत अच्छे से चूज करना है कि आपका बहुत ही अच्छा बार ग्राफ बन जाए, ठीक है, ठीक है। तो स्केल कन्वीनियंटली चूज करना है, टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर ऑन विच द ग्राफ इज टू बी ड्रॉन, आप कोशिश करो पेपर का पूरा यूज करो, ठीक है। सपोज द पेपर का साइज समझ लो इतना है, तो आपको स्केल कैसे बनानी है, थोड़ी बड़ी बनानी है, ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या है, टेबल जो 13.5 है, अब आई थिंक वही टेबल है, इसकी टेबल, इसकी जो टेबल है उसके अंदर 1 सेंटीमीटर को मैं 5 किलोमीटर के इक्वल ले रही हूँ एंड 1 सेंटीमीटर को 6 मिनट के इक्वल ले रही हूँ। अब पता नहीं 30.5 कौन सी टेबल है, ओके। तो ये आप चेक कर लेना, इतना मैंने आपको अब यहाँ पर इतना एक्सप्लेन कर दिया, ये किस कुछ भी है लेकिन ये एक ग्राफ एक टेबल का क्या है, स्केल है, ठीक है, ओके।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोशन. डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है. ठीक है, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ ने हमें क्या बताया, हमें बताया कि जो कार है उसकी बिल्कुल भी स्पीड चेंज नहीं हो रही है. इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमारे को. ठीक है, ठीक है, ओके. फॉर एग्जाम्पल टेबल 13.5 में इन्फॉर्मेशन दे रखी है बस की. ठीक है, बस जो है वो 20 किलो मतलब आधे घंटे में 10-10 किलोमीटर जाती है, ऐसा बता रखा है उसमें. तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से इसको हमने फाइंड आउट कर लिया कि बस जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है. ठीक है, तो फिर यहाँ पर वही चीज़ बता दी गई आपको. ये क्या बताया गया है, ये बताया गया है इस वाले ग्राफ के बारे में. ठीक है, इस चैप्टर में आई थिंक कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा किया गया है. ठीक है, वी मार्क द पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टाइम 8:15 टू द एक्स एक्स. अच्छा, ये बोला गया है कि हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्ड मार्क करेंगे, मतलब इधर से और फिर इधर एक पॉइंट लगा देंगे, ऐसा इन्होंने बोला है. ठीक है, टू द पॉइंट वाई एक्सेस वी देन मार्क द पॉइंट टी ऑन द ग्राफ विच इज वही सेम चीज़ है. नेक्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू द पॉइंट टी पैरेलल टू द एक्स एक्सेस इंटरसेक्ट वाई एक्सेस एट द पॉइंट बी. द डांस द डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट बी ऑन द वाई एक्सेस डिस्टेंस. ओके ओके ओके. अच्छा, हाउ मच द डिस्टेंस इन किलोमीटर कैन यू फाइंड. पहली टू फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द बस कैन यू ऑल्सो फाइंड द स्पीड. यहाँ पर बोला है कि फिर हमें लास्ट में क्या करना है, इसको ज्वाइंट कर देना है. ठीक है, अब आप क्या पहेली की हेल्प कर सकते हो. जो मुझे पूछ रहा था कि पहेली तुम 9:45 AM पे कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी थी, बताओ. तो आप क्या बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं. चलो चलते हैं ग्राफ पे. यहाँ पर बज रहे हैं 9:30, यहाँ पर बजेंगे 9:40 और यहाँ पर बजेंगे 9:45. ठीक है, तो इतने पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सीधा जाओ कितना डिस्टेंस, जितना अभी देखो यहाँ पर मेरा एक्यूरेट नहीं बना है. ठीक है, तो आप एक्यूरेट देखो 70-80 के बीच में रहेगा. तो पहेली ने 9:45 में इतना डिस्टेंस इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था. ओके, सो ये होगा इसका आंसर. एंड यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है. सो यहाँ पर कीवर्ड्स है बार ग्राफ, ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म इमोशन, ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम, स्पीड, टाइम पीरियड, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिट ऑफ टाइम. ओके, द डिस्टेंस ऑफ यूनिट, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है स्पीड की. स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस एक यूनिट टाइम में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है. स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिवाइस विच वन इज मूविंग फास्टर. स्पीड से हमें पता लगता है कि कौन सा व्हीकल फास्ट मूव कर रहा है. स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टाइम. अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर बता रखा है एंड स्पीड की यूनिट क्या होती है. पीरियोडिक इवेंट्स आर द. ओके, अब बताया गया कि पेंडुलम हम यूज़ करते हैं अपने टाइम को मेजर करने के लिए. मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द पिक्टोरियल फॉर्म बाय द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मोशन निकाल सकते हैं, मतलब स्पीड निकाल सकते हैं. कितनी अमेजिंग बात है ना. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ कॉन्स्टेंट. अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो इसका मतलब आपकी कार की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वो है क्या, कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है. एंड अगर आपको ये एक्सरसाइजेस समझ के सॉल्व करनी है तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें. थैंक यू वेरी मच.